अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूँ इकरा शहजाद। नजर डालते हैं दुनिया हेडलाइंस पर। पीपल्स पार्टी ने पार्लियामेंट की बढ़तरी यकीनी बना दी, आइंदा साल शफाफ इलेक्शन कराएंगे। सदर जरदारी ने बलूचिस्तान के आवाम से फिर माफी मांगी। सदर जरदारी पार्लियामेंट के मुश्तरका अजलास में खिताब के लिए उठे तो उनकी कुर्सी गिर गई। ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज के बाद वॉकआउट। शहबाज शरीफ सियासी तरबियत से आ रही है नवाज लीग, उनके दिमाग का इलाज कराए। राजा रियाज खादम आला पर बरस पड़े। भत्ताखोरी के खिलाफ एमक्यूएम की कॉल पर्सन की मुख्तलिफ शहरों में हड़ताल। कराची में ट्रांसपोर्ट की बंदिश से सड़कें सुनसान रही। मंसूर एजाज ने फिर सदर जरदारी पर इल्जाम की बौछार कर दी। यासीन मलिक की अहलिया ने मंसूर एजाज के खिलाफ फरीक बनने के लिए मेमो कमीशन को दरख्वास्त दे दी। मुल्तान के बख्शी खाने में इंतजामिया के नारवा सलूक के खिलाफ कैदियों का एहतजाज। कपड़े जला दिए, अदालतों में पेश होने से इनकार। पाकिस्तान और रिवायती हरीफ भारत एशिया कप में कलाम ने सामने होंगे। ग्रीन शर्ट्स दो मैच जीत कर टूर्नामेंट में पहले नंबर पर। और असामुल हक की आज 32वीं सालगिरह। कौमी टेनिस स्टार मजीद कामयाबियों के लिए पुरअज़्म।